Drop the bass. नमस्कार दोस्तों, दिल्ली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ, सबसे पहले आपसे बात करेंगे बेस की। तो आइए चलिए दोस्तों चलते हैं, चलकर बेस दिखाऊंगा आपको, वाकई में शानदार होने वाला है। आपके सामने रखा हुआ एक रिवर्स बेस, डब्लू विंड बेस, और तकरीबन हाइट 4.5 फुट कह सकते हैं दोस्तों, मेरे चेस्ट के आसपास है बेस। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग यूज क्या करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यूज करने वाले हैं आपका 1800 वाट का। दोस्तों ये वाला स्पीकर स्पेशली आप लोग देख रहे हैं, सब सीरीज LF18G1800 प्रोफेशनल लाउड स्पीकर, नॉमिनल डायमीटर 18 इंची, मतलब 18 इंची का ये स्पीकर है दोस्तों अपना। वॉइस कॉइल 5 इंची इन आउट वॉइस कॉइल है। पावर की बात की जाए तो 1800 वाट्स की पावर है। इम्पीडेंस पावर इसकी 8 ओम्स है। और ये QD ऑडियो का ब्रांडिंग है इसके ऊपर दोस्तों, वाकई में स्पीकर काफ़ी ह्यूज स्पीकर है। और वेट की बात की जाए तो मैं इसको उठाने से बचूंगा। स्पीकर के बारे में जानना चाहते हैं तो पीछे मेरी वीडियो है जिसमें मैंने 18 इंची का सेम स्पीकर अनबॉक्स किया है और खोल के दिखाया, टेस्टिंग भी की है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बेस की, तो अब हम इसको इसमें फिट करेंगे। उससे पहले मैं इसको ग्रिल को हटाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हमारी जो वीडियोस भाई देखते हैं वो किसी ना किसी कारण से देखते हैं। कारण क्या होता है, एक तो बजट उन लोगों को चाहिए होता है, बजट के अंदर सामान आ जाए तो बजट का खास ध्यान रखा जाता है। एक होते हैं न्यू बिगनर्स जिनके लिए कि भाइयों को नए सेटअप चाहिए होते हैं, वो भाई देखते हैं। तो मैं आज एक खास बात बता के जाऊंगा दोस्तों, जितने भी हमारे नए भाई हैं जो कि अपना नया साउंड सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए एक सेटअप रेडी किया जा चुका है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मगर जब तक परफॉर्मेंस बिल्कुल डंके की चोट पर नहीं आ जाएगी ना, जब तक वीडियो नहीं आने की है, चल रहा है मामला, फिट पर है, ऑल एवरेज डन करने वाले हैं, वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। अगर वो वाला सेटअप आप लोगों को धमाकेदार लगेगा जब जाके दिल खुश होगा, और आप भाई उस वाले सेटअप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, दिल्ली व्लॉग्स फेसबुक पेज के ऊपर आज मैं एक पोस्ट डालूंगा, उस पोस्ट में उस वाले सेटअप की सारी जितनी भी क्वायरीज होंगी आप लोगों की खत्म कर दूंगा। तो आइए चलिए चलते हैं, इसकी ग्रिल को ओपन कर लेते हैं, आइए। पर्दा खोल दिया है, ये आपका डब्लू विन बेस, रिवर्स बेस। क्वालिटी दोस्तों आप लोगों के सामने है, ये इसमें LNK के नटबोल्ट टाई किए हुए हैं। अभी हम लोग इसको भी हटा देंगे, फिर उसके बाद को इसको अंदर से देखते हैं हम लोग। ये पेंट है दोस्तों, क्योंकि कई भाई बिना ग्रिल के इसको यूज करते हैं तो ग्रिल हटा के भी इसको यूज किया जा सकता है। तो इंटरनल साइड पर भी पेंट दिया हुआ है, और ये आप लोग अगर इसकी ऊपर से देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी अगर आप लोग देख पाएंगे, ये क्वालिटी अगर आप लोग देख पाएंगे, बिल्कुल सेम वही क्वालिटी बनाने की कोशिश की जाती है। हैमर साउंड में हमेशा जैसे कि एक बार आपको दिखा दिया वैसा ही हर बार कोशिश की जाती है कि वही क्वालिटी आप लोगों को हर बार दी जा सके। अंदर का नजारा देख रहे हैं, और कैबिनेट के अंदर मैं नहीं जा सकता, मगर कैमरा अंदर है और आप लोग कैमरे के साथ ही अंदर हैं कैबिनेट के। आप लोग फील कर सकते हैं कि आप कैबिनेट के कितने अंदर आ चुके हैं। तकरीबन 4.5 फिट की ये कैबिनेट होगी दोस्तों। और मेन जो होता है बात इसकी बेस की स्ट्रक्चर से आती है। अगर बेस की बात की जाए तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर इसको बेस को खूबसूरती और जबरदस्त पंच देता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं। दोस्तों स्लाइड सा इसको अब दोस्तों इसको जैसे हम लोग तिरछा करते हैं ये इजीली अंदर आ जाता है। दोस्तों ये स्पीकर हम लोगों ने फिट कर दिया, मैग्नेट इसकी ऊपर वाली साइड में है और पर्दा इसका नीचे वाली साइड में है। अब इसको हम लोग टाई कर लेते हैं। अच्छी तरह से टाई करने के बाद परफॉर्मेंस आप भाइयों के साथ शेयर की जाएगी किस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही है। और स्पेशली बेस इतना बड़ा सिंगल बेस आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग डबल का बेस यूज़ करते हैं ना,
तो इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो डबल की बेस से भी ज़्यादा है। तो परफॉर्मेंस भाइयों के लिए, भाइयों के साथ शेयर की जाएगी। आइए चलिए चलते हैं और इसको चला लेते हैं और टेस्ट करते हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट अपना बेस कंप्लीट हो चुका है, अंदर आप लोग स्पीकर देख सकते हैं, स्पीकर है। अब हम लोग इसको फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि आप लोग हेडफोन का इस्तेमाल करें, और जो बेस है वो सराउंड में क्लियर कब आता है जबकि वो बाहर रखा होता है। मगर अभी करते हैं टेस्टिंग, आइए टेस्ट का मजा लेते हैं। दोस्तों ये ओनली बेस था, अब मैं आपको जो साउंड सुनाने वाला हूँ वो लाइनर के साथ है, क्योंकि बेस का असली मजा मिड के साथ ही आता है। तो अब मजा लीजिए दोस्तों।